ठंड बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि आप नहा भी नहीं सकते, नहाना छोड़ो मुंह भी नहीं धो सकते, इतनी ज़्यादा ठंड है कि धूप से हटने की इच्छा ही नहीं होती। बाय बाय, गुड बाय, सो रहा। सो गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग व्लॉग। सो गाइस, एक बार बैकग्राउंड साउंड नहीं चला जाए, एक बार बैकग्राउंड साउंड, फिर फाइनली एक जगह मिल गए ढंग की जहाँ पर अच्छे से शूट हो सकता है। सो गाइस, जो आज का जो व्लॉग है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है अगर आप जाओगे तो। आज जो आज का व्लॉग है वो रेगुलर यानी कि डेली व्लॉग से रिलेटेड ही है। मैं आपको जो चीज़ शेयर करना चाहता था वो इस व्लॉग में है, कुछ ऐसा खास कि जो आपको कुछ अलग लगेगा और डिफरेंस है इस व्लॉग में। बिकॉज जो सिटी की लाइफ और जो विलेज की लाइफ होती है वो मैंने डिफरेंशिएट की है इस वीडियो में, व्लॉग में। सो आप देख सकते हो और आप फील कर सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सो टुडे इन दिस वीडियो व्लॉग, आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू एंड शो यू आवर सिटी स्ट्रीट्स, उदयपुर सिटी की स्ट्रीट्स कैसी होती है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में व्लॉग में बताऊंगा। या लेट्स गो। और धूप से बहुत ज़्यादा चेहरा चमक रहा है और लुकिंग सो हैंडसम ब्रो। या सो लेट्स गो। वी एंटर्ड इन इंडियन स्ट्रीट्स, वो स्कूल की वैंस गई, जो भी ये हॉस्पिटल लाइक इमरजेंसी किसी को जरूरत हो तो। और ये चचा सब्जी बेच रहे हैं और ये भाऊजी कहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ। सिटी हरामी नाम था वो शॉप का। सजावट नहीं, हमको नहीं करवाना है सजावट, आप ही करवाओ रे बाबा। नॉवेलिटी क्या, कुछ कोनो खास नहीं है, ओनली भीड़ भीड़। दीदी बात कर रही हैं, किसी से ही बात करे, हमें क्या लेना देना। स्लोली स्लोली जाते हुए अंकल जी एंड ये हमारी गाय माता, और ये पूरा सिंगल सबसे फेमस स्ट्रीट्स हैं ये बिल्कुल ही। अभी तो यहाँ पर क्लियर इसलिए बिकॉज मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पर एक नंबर भी ट्रैफिक नहीं है। बाकी जब ट्रैफिक होता है ना, पूछो मत, चार चार पाँच पाँच घंटे के ट्रैफिक लग जाते हैं यहाँ पे। एंड ये पूरा बहुत ज़्यादा अलग हटके, और ये देखो क्लॉक टाउन, ये लंदन की क्लॉक टाउन, हमारे इंडिया में भी है ये। ब्यूटीफुल, घंटाघर बोलते हैं यहाँ पर हिंदी में, यहाँ पर इसी स्ट्रीट का नाम ही है ये घंटाघर वाली गली। ये इतनी ज़्यादा पतली गलियाँ जो सिर्फ एक व्हीकल आए जाए उसमें ही सब कुछ ब्लॉक हो जाता है यार, क्या करें। स्ट्रीट्स तो स्ट्रीट्स, तभी तो स्ट्रीट्स कहलाएगी। अल्ट्रा प्रो मैक्स, इधर वाहन गाड़ी चलाने वाले भी बहुत प्रोफेशनल ड्राइवर चाहिए होते हैं, वो अपॉइंट सिर्फ हमारे यहाँ से होते हैं। ये देखो सिंगल इतनी पतली हो रही है, देखो कितना ओल्ड, यानी कि पूरा विंटेज लुक है पूरा। यहाँ ओल्ड सिटी है जो बहुत ज़्यादा पूरा ये ओल्ड गेट और वगैरह, धीरे धीरे सारी पुरानी चीज़ें ख़त्म होती जा रही, और उसे बचाना हमारी ज़िम्मेदारी है क्योंकि अपनी जनरेशन आएगी तो क्या देखेगी। और ये हम काफ़ी तेज़ी से जाते हुए, बहुत ज़्यादा स्पीड से, लोड ना लो ऐसी स्पीड बढ़ाइए। ये बहुत ज़्यादा पतली गलियाँ, यानी कि सिंगल इतनी ज़्यादा पतली गलियाँ बिल्कुल ही, मैं खड़ा हो गया उसमें ब्लॉक हो गई।
और ये अपन आ गए बाहर। ये शॉर्टकट जिस गली में भी घुसोगे कहीं ना कहीं निकल ही जाओगे आप। सारी गलियां कहीं ना कहीं निकलती है, यहाँ की गलियां सारी ऐसी ही है। और ये अपना घर आने वाला है, अभी अभी नए नए अपन शिफ्ट हुए हैं, दूसरा घर मान लो, बस आने वाला है। और ये सारी ये गलियां इस तरीके से यहाँ पे, बस मैं इन गलियों से परेशान हूँ। अरे चचा आराम से ज़रा, मेरे को उड़ा देते अभी तो। ये येलो कलर वाला अपना प्यारा सा घर है, ब्यूटीफुल हाउस, होम, जो भी आप कहो। सो एंड नाउ बिल्कुल पूरा ही अपोजिट, यहाँ पर दूर दूर तक ना कुछ दिख रहा है ना कुछ है। तो है तो है क्या बाबा, क्या बवाल चीजें रही। दिस इज कॉल्ड विलेज एंड दैट्स मी गाइज। एंड दिस इज माई ब्रेकफास्ट, यू नो गाइज, देख लो ये ब्रेकफास्ट बुर्ज खलीफा से भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और राइडिंग ऐसी जगह अनबिलीवेबल, सो सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस, आई कांट टेल विद अस, विद यू। इंग्लिश इज मेरी वेरी वेरी वास्ट, एडजस्ट कर लेना इंग्लिश मेरी, सॉरी गाइज। सो लेट्स गो। कितना ज़्यादा डिफरेंस है शहर में और गांव में, लाइक सिटी की स्ट्रीट्स और गांव की स्ट्रीट्स। लिटरली गांव में तो कोई स्ट्रीट्स नहीं होती है, कोई गली मोहल्ला नहीं होता है, यहाँ पे ओपनली सब कुछ। और ये मेरी बहन देखो, सी या गाइस, बाय बाय। एट द एंड वी बैक आवर होम, होम होम, हाउस हाउस हाउस। अब व्लॉग को एंड करने का समय आ गया, क्योंकि आपको जो दिखाना था वो दिखा चुका हूँ। ओके गाइज, ओके माय लवली पीपल्स, लव यू एवरीवन। ये देख सकते हो, यानी कि इतना ज़्यादा क्लोज है सब कुछ कि साला भूकंप आएगा तो सबसे पहले मैं ही मरूँगा। सॉरी सॉरी, तोबा तोबा, गलत निकल गया मुँह से। देखो ऐसा है, सिटी में होता है रश, भीड़ और बहुत कुछ, लोग, गाड़ियाँ, व्हीकल्स, पोल्यूशन, जितने पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और क्या क्या, जितने सारे पोल्यूशन वो सब सिटी में ही होते हैं, क्योंकि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उस जगह पर यकीनन पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पोल्यूशन होगा, दैट्स इट। एंड विलेज में लोग भी, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसलिए वहाँ की जगह भी बहुत साइलेंट, लाइक पीस, सुंदर, ब्यूटीफुल रहती है, क्योंकि वहाँ पर कोई ख़राब करने वाला नहीं होता, डोंट माइंड इट। तो नेचर का ध्यान अपन को ही रखना है। सो होप व्लॉग अच्छा लगा होगा आपको, आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, वैल्यूबल लगा शेयर करना फ्रेंड्स के साथ में, और कुछ हटके लगा तो सब्सक्राइब करना, घंटा भी दबाते हुए जाना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब कुछ करना, और आपके भाई को सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। सो लेट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट व्लॉग। ओके गाइज, बाय बाय, सी यू माई लवली यूट्यूब फैमिली, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एवरीथिंग।